हर बंदे दे कोल एक वक्री दौड़ है जेड़ी परमेश्वर ने सानू दौड़ दिती है वो दौड़ कंप्लीटली डिफरेंट है वो बिल्कुल वक्री है। किसी की दौड़ पैसा है किसी की दौड़ विदेश है किसी की दौड़ किसी तरह की है पर जो परमेश्वर ने सानू दौड़ दिती वो की है सदीपक जीवन ता असी उन्हां गल्लां ते चेत लाउणा है जिहड़ियां गल्लां करन दे नाल जिहड़े काम करन दे नाल सानू सदीपक जीवन प्राप्त हो सकदा है। जेकर कोई भी गल साडे जीवन दे विच इहो जिही आ जिहड़ी साडे सदा दे जीवन नू खराब कर सकदी है जिहड़े जिहड़ी गल सानू स्वर्ग तों बाहर रख सकदी है जिहड़ी सानू परमेश्वर दे विरुद्ध करदी है उस गल वल नू असी जाना नहीं उस काम बारे असी सोचना भी नहीं वह काम करना भी नहीं। हालेलुया कहिंदा उताहां दीआं गल्लां उत्ते चित लाओ ना उन्हां उत्ते जिहड़ियां धरती उपर हन। उताहां दीआं गल्लां ते चित लाउणा आत्मक गल्लां उत्ते चित लाउणा धरती दीआं गल्लां उत्ते नहीं। धरती दीआं गल्लां ते चित ना लाओ दा मतलब की है कई बार असी इन्नी मेहनत करते हैं सारा कुछ इस धरती से बनाने के लिए कि सारा कुछ मैनू मिल जाए सारा कुछ मेरे हाथ दे विच हो जाए सारिया खुशियां मेरे कोल होन पैसा बहुत होवे मेरे कोल रुतबा मेरा बहुत वड्डा होवे इस होड़ दे विच कई बार असी परमेश्वर नू याद तक नहीं करते असी परमेश्वर का नाम नहीं लेंदे प्रभु ने जो कुछ सानू दिता उहदे लई धन्नवाद नहीं करदे बस दौड़ी जाने और असी भुल जाने कि असी इत्थे मुसाफिर हाँ असी भुल जाने कि असी इत्थे परमानेंट रेजीडेंट नहीं है पर असी इत्थे टैंपरेरीली जिहड़ा वीजा है उहदे उत्ते आए हाँ टूरिस्ट वीजे के उत्ते असी इस धरती के उत्ते आए हाँ यह साडा परमानेंट रहण दा देश नहीं है असी इत्थों जाना है पर जिथे असी परमानेंट जाना है उत्थे जाण दे लई इत्थे रह के सानू कुछ तैयारी करनी पैनी है। जिदा जे तुसी कनेडे नू जाना है कनेडा नू तुसी इंडिया दे विच आ तुसी कनेडे जाण दी तैयारी कनेडे पहुंच के करोगे कि तुसी अपने देश विच रह के करोगे अपने देश में रह के करोगे ना जिथे तुसी हैगे हैं तां तुहानू उत्थों दे कागज पत्र पूरे करने पैने हैं उत्थे तुहानू जो कुछ चाहिए वो सारिया चीजा तुहानू पूरियां करनियां पैनियां हैं। इदां ही आपां स्वर्ग नू जाण दे लई इस धरती ते रह के तैयारी करनी है स्वर्ग विच टिकण दे लई स्वर्ग विच जाके तैयारी नहीं कर होनी इत्थों तैयार होके जावांगे जे आप खरे निकले इंटरव्यू दे विच पास हो गए अपने अपने कागज पसंद आ गए अपना नाम उस बुक ऑफ लाइफ दे विच निकल आया जीवन की पोथी विच निकल आया फिर आप स्वर्ग नू जाना है नहीं तो छड़ दिते जाना है। इसलिए वचन सानू की कहिंदा धरती दीआं गल्लां ते चित ना लाओ उतां दीआं गल्लां ते चित लाओ चेते रखो कि असी स्वर्ग नू जाना या जे असी ए चेते रखांगे असी स्वर्ग नू जाना या असी इत्थे मुसाफर या तां ही असी ओ काम कर पावांगे जेड़े स्वर्ग नू जाण दे लई जरूरी आ पर जे आपां नू चेता ना आया फिर अपने तो ओ काम भी नहीं कर होणा। इसलिए जद कदे भी कोई काम करो चेता रखना है इस गल दा एक काम मैनू स्वर्ग विच जाण तो रोकदा ते नहीं एक काम मेरे परमेश्वर नू पसंद आ चाहे आपां गल्लां ही करदे आ वचन विच लिखा हर गल दा हिसाब होना भावें चंगी आ ते भावें माड़ी आ कहिंदा जिहड़ियां व्यर्थ विच गल्लां कीतियां उहनां दा भी हिसाब होना आ ते जद कदे किसे नाल गल भी करनी आ ध्यान नाल गल करनी है भी ये गल स्वर्गदूत सुनदे पए आ ये गल मेरी जिहड़ी आ उत्ते जाके नोट करवाई जानी है मैं की बोल रहा है
अरे रिकॉर्ड हो रही है, लिखी जा रही है, इस गल का मैं लेखा देना है। कई बार आप वे बनन चंगे बनन अकल वाले बनन आप दूजे नीवा दिखाने झूठ मूठ ही कई गल्लां कर दिने जेड़ियां के सच नहीं हुंदियां। पर जो भी गल करनी उस लई इह चेता रखना कि जो मैं झूठ बोल रहा इस बंदे नूं सच लग सकदा है, पर एक हैगा आ जिहदे अगे झूठ झूठ आ ते सच सच ही आ, जिन्हों मेरे बारे सब कुछ पता है, जिन्हों मेरे बीत चुके बारे सब कुछ पता है, जिन्हों मेरे आन वाले समय के बारे भी सब कुछ पता है। ये उताह दियां गल्लां ते चित लाउण, हालेलुया। क्यों जो तुसी मोए अते तुहाडा जीवन मसीह दे नाल परमेश्वर विच गुप्त होया है, ये उन्हां दे लई आ जिन्हां ने तौबा कीती आ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੋਏ ਆ ਤੇ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੁਪਤ ਹੋਇਆ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ? ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਵੱਲੋਂ ਮਰ ਗਏ ਆ, ਗੁਨਾਹਗਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਗਲਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਪਾਪ ਆ ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਝੂਠ ਆ ਇਹ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਚੁਗਲੀ ਆ ਇਹ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮਤਲਬ ਮੌਕਾ ਆਉਂਦਾ ਆ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦਾ, ਚੁਗਲੀ ਕਰਨ ਦਾ, ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਣਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਿੱਚ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਮਰ ਗਿਆ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਮਰ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਲੜਾਈਆਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਮਰ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਵਿਭਚਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੋਏ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਿੱਚ ਗੁਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਸੀਹ ਜੋ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਜਾਓਗੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਮਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੌਬਾ ਕਰਕੇ ਮਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਸਹੀ ਜੀਵਨ ਜੀ ਕੇ ਮਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਸੀਹ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਆ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਤੇਜ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੂਰੇ ਤੇਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਜਾਓਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਧਾਰਨ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਹਨ ਮਾਰ ਸੁੱਟੋ, ਅਰਥਾਤ ਹਰਾਮਕਾਰੀ, ਗੰਦਮੰਦ ਕਾਮਨਾ, ਬੁਰੀ ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਲੋਭ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਮਾਰ ਸੁੱਟੋ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਸਟ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਹਵਸ ਆ, ਹਵਸ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਪ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਆ? ਹਰਾਮਕਾਰੀ, ਗੰਦਮੰਦ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਲਾਈਫ ਪਾਰਟਨਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਸਭ ਹਰਾਮਕਾਰੀਆਂ ਆ, ਇਹ ਗੰਦਮੰਦ ਆ। ਕਾਮਨਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਇੱਕ ਕਾਮਨਾ ਆ ਕਿ ਸਭ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ। ਬੁਰੀ ਇੱਛਾ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੁਰੀ ਇੱਛਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆ ਸਕਦੀ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੁਰੀ ਇੱਛਾ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਆ, ਦੋ ਬੱਚੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਦੇਣੀ।
दूजे का मैं रिश्ता इस घर विच नहीं होण देना, दूजे का काम मैं नहीं बनन देना, चंगिया नहीं बनन देना। यह की है बुरी इच्छा, किसी के विरुद्ध सोचते रहना, लोभ मतलब लालच। जेड़ा मूर्ति पूजा, लालच की है, एक मूर्ति पूजा है। मान लो पैसा है, पैसे का लालच हो गया कि बहुत सारा पैसा मैं मिल जाए। हुण की है, पैसा तुहाडे पिछे नहीं है, तुसी पैसे दे पिछे आ, तां की है तुसी एक मूर्ति पूजा कर रहे, तुसी पैसे नूं एक मूर्त बना लिया जिन्हों तुसी पूजदे आ। सवेर नूं भी तुसी सब तो पहला ख्वाहिश करदे कि मैनूं पैसा मिले, रात नूं भी सौण तिकर तुहाडी ख्वाहिश की आ, हाय मैनूं पैसा मिल जाए, हाय मेरा पैसा गुआच ना जाए। किसी दे कोल बच्चियां दे लई हो सकदा, किसी भी तरह का लोभ, किसी भी चीज का, जमीन का लालच हो सकता, सोने का लालच हो सकता, विदेश जाने का लोभ हो सकता, कोई भी वो चीज जिन्नू तुसी परमेश्वर दे नालों वध अहमियत दिने। एक चीज होंगी कि मैं सब तो वध प्यार फलाने नू करदा है। अगर सब तो वध दे विच नाम परमेश्वर शामिल नहीं है, सब तो टॉप उपर नेम परमेश्वर शामिल नहीं है, पर ओदी थां ते तुसी कहने के सब तो वध प्यार मैं अपनी वाइफ नू करदा आ, सब तो वध प्यार मैं अपने हस्बैंड नू करदा आ, करना चाहिदा आ। बाइबल भी यही कहंदा आ कि पति जिहड़ा आ अपनी पत्नी दे प्रति ते पत्नी अपने पति दे प्रति प्यार विच, आज्ञाकारी विच ते वफादारी दे विच रहण, बहुत अच्छी रिलेशनशिप वास्ते किया। पर फर्स्ट लव नहीं आ इह, फर्स्ट लव की होना चाहिदा, पहले नंबर दा प्यार की होना चाहिदा आ, परमेश्वर। पति तो भी पहला परमेश्वर, पत्नी तो भी पहला परमेश्वर, पुत तो भी पहला परमेश्वर, पैसे तो भी पहला परमेश्वर, पिता तो पहला परमेश्वर, मां तो पहला परमेश्वर, बिजनेस तो पहला परमेश्वर, विदेश जाने तो पहला परमेश्वर, मतलब सब कासे तो पहला परमेश्वर ही होने चाहिए। प्रभु जी का रुतबा टॉप ते होना चाहिए, थोड़ी मोस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए है, सब तो वध अहमियत थोड़े जीवन दे विच परमेश्वर दी होनी चाहिए। अगर थोड़ी जीवन दे विच सब तो वध अहमियत किसे होर चीज दी है, तो वो थोड़े लिए मूर्ति बन चुकी है, वो मूर्ति पूजा बन चुकी है। और वचन की कहंदा अण आज्ञाकारी दे पुत्रां उत्ते परमेश्वर दा क्रोध पैंदा है। जेड़े इन्हां चीजां विच फसे हुए आ, हरामकारियां दे विच, हरामकारी सिर्फ जिस्मानी नहीं आ, मानसिक भी आ। बहुत सारे लोग जिस्मानी तौर ते उन्हां दे कोले मौका नहीं मिलदा, इजाजत नहीं मिलदी उन्हां नूं, इसलिए वह कहिंदे कि असीं बड़े पवित्र आ। अगर तुसीं जिस्मानी तौर ते पवित्र आ पर तुहाडे मन विच गंद मंद चलदा रहिंदा आ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਗਲਤ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਆ।